अगर आप मुर्गी पालन करना चाहते हो तो मैं आपको बहुत ही अच्छी जानकारी दूंगा, तो आप जानिए, ध्यान से पूरा वीडियो देखिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप देसी मुर्गी पालन करना चाहते हो तो आपको मैं बहुत ही बढ़िया एक अच्छी टिप्स बताने वाला हूं, जिसमें आपको बहुत ही फ़ायदा है, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि देसी मुर्गी पालन में कई प्रकार की मुर्गियाँ के मुर्गे होते हैं, कई प्रजातियाँ होती हैं, इनकी अलग अलग जाति होती है, जो कि सभी मुर्गियाँ एक साथ अंडे नहीं देती हैं। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ये जो कड़कनाथ मुर्गी है, मैं दिखाता हूँ, कड़कनाथ काले कलर की होती है जो ये कड़कनाथ मुर्गी है। ये दो ये देख रहे हैं, कड़कनाथ बच्चे प्लेट के बच्चे चल रही है, कड़कनाथ ये कड़कनाथ मुर्गी है। ये देखो ये मुर्गी, और ये तो केसर वाला मुर्गा है ना, ये दिख रहा है केसर वाला मुर्गा, ये इसको बोलते हैं टेढ़ी मुर्गा। ये जो वैरायटी, ये वैरायटी का आप पालन करो बिल्कुल, ये आप लेके आ जाओ। और ये जो ये काले कलर की दिख रही है ना, ये टेढ़ी मुर्गी है, ये ब्राउन कलर की ये टेढ़ी मुर्गी है नॉर्मल, ये भी जो ब्राउन कलर की टेढ़ी मुर्गी है। देखो आप दो कड़कनाथ और एक टेढ़ी मुर्गा ले आओ। कड़कनाथ मुर्गी 500-700 मिलती है, टेढ़ी मुर्गा 1800 रुपये का मिलता है। दो कड़कनाथ और एक टेढ़ी मुर्गा लेके आ जाओ, और एक मुर्गी या दो मुर्गी टेढ़ी भी ले लो। टेढ़ी मुर्गी 1000 रुपये की, लगभग 800-1000 की मिल जाती है। ये टेढ़ी मुर्गी है, रेड कलर की, ये भी टेढ़ी है, ये लेके आ जाओ। चार मुर्गी एक मुर्गा रखो। जब ये जो कड़कनाथ होती है ना, इसके अंडे टेढ़ी के अंडे आप बिक्री कर लो या घर में यूज कर लो, कहीं बिक्री करते रहो, उसको अलग रखो। जो कड़कनाथ की मुर्गी अंडे देती है टेढ़ी मुर्गी से, वो अंडे आप इससे, कड़वड़े मुर्गी जो अंडे देती है ना कड़कनाथ, वो अंडे इकट्ठे करके आप उनसे बच्चे निकलाओ। किसे? टेढ़ी मुर्गी से। कड़कनाथ बच्चे कभी नहीं निकाले, कड़कनाथ मुर्गी कंटिन्यू अंडे देगी, दो तीन दिन रुकी फिर अंडे देगी। जब कड़कनाथ वाले अंडे है ना, कड़कनाथ के अंडे बच्चे निकलेंगे ना, वो बच्चे टेढ़ी और कड़कनाथ के मिक्स हो जाएंगे। टेढ़ी एक बहुत अच्छी ब्रिड है, जो केसर वाली, जो स्क्रीन के सामने के असील मुर्गे, ये मत लेना, वो जो मैंने दिखाया ना केसर वाला, वो मुर्गे लेके आना। तो ये तो असील मुर्गे, ये लेके नहीं आना, ये अंडे बहुत कम देते हैं। इनका अलग बताऊंगा मैं आपको, वीडियो बना रखा। ये जो ये केसर वाला मुर्गा भाग रहा नहीं, ये टेढ़ी मुर्गा, ये नॉर्मल है। ये तो बाकी जो ये तो मुर्गियाँ दिख रही नहीं काली काली, पूरी टेढ़ी मुर्गियाँ हैं, असील मुर्गियाँ नहीं है काली। तो ये मुर्गी और ये जो कड़कनाथ मुर्गी, जो मुर्गी बेच चुकी है, जो अपक उठ रखे हैं छोटे कलर की, ये इसके अंडे इकट्ठे करके टेढ़ी मुर्गी के नीचे बैठा दो। जब इसके कड़कनाथ के बच्चे निकलेंगे ना, वो बच्चे मिक्स हो जाएंगे, वो मुर्गियाँ इतनी अंडे देती है आप पूछो मत, बिल्कुल बंद नहीं, क्योंकि ये डबल हो गया। क्योंकि एक तो कड़कनाथ होती है, ये जो कुड़क नहीं होती कभी भी, और टेढ़ी मुर्गी कुड़क होती थी, दोनों मिक्स हो जाएगा, ये कुड़क भी होगी और अंडे भी दबा के देगी, इतने अंडे देगी आप यकीन नहीं मानोगे। तो मैंने आपके टिप्स बताए, एक टेढ़ी मुर्गी और दो कड़कनाथ और दो टेढ़ी मुर्गी। टेढ़ी मुर्गा ले लिया आपने, जो टेढ़ी बोलते हैं हमारी देसी भाषा के अंदर, रोक स्टार भी बोलते हैं, तो ये जो कुछ चुगरा नहीं केसर वाला, ये इसी प्रकार का, ये चलो अच्छा वाला ना हाइट का, इन्हें छोटे लेके आ जाओ, वो नहीं, इनमें तीन वैरायटी आती है, तो इसकी हाइट वाला, हाइट वाला लेके आना है। फिर वो बच्चे नहीं खाएंगे ना आपके, तो आपको मैं मान, आप मानोगे नहीं कि इतनी आपको अंडे देगी मुर्गियाँ की, पूछो कि प्योर देसी अंडे हो जाएंगे, वो प्योर देसी अंडे हो जाएंगे आपके, प्योर देसी मुर्गियाँ हो जाएगी वो। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी हो जाएंगी मुर्गी। ये असील मुर्गी है, ये मात्र एक महीना में 12-11 बार अंडा देती है, असील है, ये असील मुर्गा है। इनका अलग अलग है, इनका अलग रेट है। जब ये मुर्गा है 10,000 का है, ये मुर्गी भी 5,000 की है, ये तो असील मुर्गा तो ये अंडे बहुत कम देते हैं, लेकिन ये क्या सोख के रखना पड़ता, लड़ाई के लिए जाने वाले बंदे ले जाते हैं। ये तो ये भी असील मुर्गा है। कल टेढ़ी मुर्गा मेरे पास एक क्यों रख रखा मैंने, जब टेढ़ी मुर्गी से अंडा देती है तो मैं बच्चे निकलाता हूँ, क्योंकि बच्चे दिख रहे हैं छोटे छोटे पूरे, ये असील के, लेकिन ये इधर वाले हैं ना तकरीबन, इनके मिक्स मैंने बनाया है। तो हमने चार मुर्गियाँ निकाली, लेकिन वो ज़बरदस्ती शेयर कर दी उसको, किसी बंदे की बहुत जरूरत पड़ गई, वो लेके चले गए, तो वो बहुत अंडे दे रहे थे। मैं चलो दे दो कोई नहीं, उसको अच्छी रेट दे रहा था वो मेरे को, तो मैंने दे दी, मैं चलो मैं तो वो निकला लूँगा, तो ले जा। मैंने पिछली वीडियो भी दिखाया आपको, रेड ब्राउन कलर की थी मुर्गियाँ, मैंने दिखाया, देखना पीछे का वीडियो, आज और बना रहा हूँ मैं।
तो फिर आपके बच्चे अगर 20 मुर्गियां आपके हो जाएगी ना, बच्चे दो मुर्गियां बछौर मटा दो, 10-10 अंडे, 10-10 बच्चे निकल आएंगे तो भी 20 हो जाएंगे, तो वो बहुत ही फास्ट अंडे देगी आपको, और बहुत ही मतलब अच्छी, बहुत ही मजबूत मोटी होती है। तो मैं आपको अच्छी टिप्स बताइए, आप करो बहुत अच्छे अंडे बहुत देगी। बाकी ये कड़कनाथ मुर्गी है, ये कंटिन्यू अंडे देती है, बाकी ये नहीं देती इतनी। लेकिन कड़कनाथ के अंडे में क्या है कि अगर कड़कनाथ मुर्गा भी रखोगे साथ में, कड़कनाथ मुर्गा साथ में रखो तो फिर वो उसमें बच्चे नहीं निकलते, टेढ़ी मुर्गी से बच्चे निकलते। मैंने मेरे पास कड़कनाथ मुर्गी थे, मैंने कोशिश की थी कि केवल कड़कनाथ हुए, लेकिन नहीं, उसमें बच्चे निकले नहीं। तो मैंने टेढ़ी मुर्गा उनके साथ में किया ना, अच्छे टेढ़ी मुर्गा बहुत अच्छा ब्रीड है, हमारे देश की है, अच्छी ब्रीड है वो, तभी तक ये अंडे में बच्चे निकलना शुरू हुए, तो बच्चे बच्चे हो गए। ये ब्राउन कलर की टेढ़ी मुर्गी है, ये ब्राउन कलर की, ये मुर्गी 1800 की है, ये मुर्गी 5000 की है, लेकिन लगती है कि जैसी है ना, इनकी पहचान भी करना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो असील मुर्गी होगी उसकी टांगे बड़ी होगी, मजबूत होगी बहुत ही, और जो टेढ़ी मुर्गी होगी टांगे पतली होगी, तो उसमें हर चीज़ में फर्क लग जाता है। तो ये मुर्गा देखो कितना असील मुर्गा, भी लोग कितना हाइट का है, वो अलग प्रकार का असील है, वो अलग प्रजाति का है, ये असील अलग प्रजाति का है, लेकिन ये लड़ाई में बहुत माहिर है, वो तो लड़ाई में तो भाई, लेकिन कम दो ये टेनी मुर्गा है। तो मैं हर प्रकार की बीड़ा आपको दिखा रहा हूँ, देखो ये तो केसर वाला, ये टेनी मुर्गा बोलती है वो, ये मेरे पास बहुत थे, मैंने शेयर कर दिए। ये देखो ये मुर्गी, ये कड़कनाथ और टेनी से मैंने पैदा करवाई है बच्चे, ये काले वाला ना, ये अंडे बहुत देगी, ये काले काले कलर की दिख रही है, टेनी और कड़कनाथ कर रही, बच्चों और भी चीज चीज आवाजें कर दे रही। तो ये थी छोटी सी जानकारी, आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना, इसमें आपको बहुत ही बेनिफिट बेनिफिट है, बहुत तगड़ा, कोई इतना वो नहीं है। देखो ये टेढ़ी मुर्गी हमारी बहुत बूढ़ी मुर्गी है, ये कम से कम 8-9 साल की हो गए, लेकिन वही देखो अभी भी अंडे देती है, लेकिन ठीक है मुर्गी, अभी ये कुड़क नहीं हो रही है, अभी इसी अंडे भी देती है, देने अभी कुड़क जोड़ा बंद हो गई, वो एज होगी नहीं इसकी, रुक जाती है पलटने लगी। देखो बस इसको अच्छा अच्छा खाना पीना दो, अच्छा पानी दो, तो आपको परेशानी नहीं आएगी, अच्छे अंडे देंगे, अच्छे रहेंगे। एक साथ इनको रखो जो ताकि झगड़ने, अलग अलग मुर्गे रखो अलग अलग झगड़ा करेंगे, अलग ये देखो मेरा असील मुर्गा, देखो ये जो अभी बच्चा है, काट दो कितने लोग इसको, ये देखो ये देखो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के मुर्गे मेरे पास में, ऐसे मुर्गे आपको देख रहे हो कहीं नहीं मिलेंगे। देखो ये होंगे किसी के पास पिंजरे के अंदर, लेकिन खुले में इतने तकड़े मुर्गे मजबूत मुर्गे आपको मिलना बहुत मुश्किल। देखो ये मोर जितने बड़े बड़े हैं, ये मोर को भी इनके टांगे देखो, इनकी चोंच देखो, इनके देखो ये हर चीज़, ये टेढ़ी मुर्गा है ये देखो वो असील मुर्गे कितने खतरनाक बोलता, पैर में कांटा कोटा सूख गया कुछ, ये आ गया वापस चला गया। ये असील के बच्चे हैं, प्योर असील, पिंजरे के अंदर रखते हैं दिन भर, ठीक है, रात को चींटियां आती है कहीं दाना दूना लगे वो खा रहे। देखो Thank you.
आगे वो गए थे उस तरफ, पेड़ ना पेड़ की जब गिरते हैं ना रात को कीड़े मकोड़े खाने के लिए, भागे उनको पता उधर गिरते। ये हरी सब्जी बोरी के इनके लिए खाने के लिए। Thank you.